नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना वायरस के चलते भारत बंद है, ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की खबर को फॉरवर्ड करने से पहले चेक कर लें, क्योंकि कोरोना काल में एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन सकती है। व्हाट्सएप जैसे ऐप ने तो एक साथ फॉरवर्ड करने की संख्या भी कम कर दी है। फेक न्यूज के प्रभाव को रोकने के लिए सभी सोशल साइट्स एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कवायद लगातार जारी है। ताजा मामला जावेद अख्तर के ट्वीट से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने अधूरे ज्ञान के चलते हमेशा की तरह एक बार फिर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। जावेद अख्तर ने अपने हालिया ट्वीट में लिखा कि 30 जून तक ट्रेन नहीं चलाने का क्या मतलब है? प्रवासी मजदूर वापस अपने घर जाना चाहते हैं और वापस जाने का उन्हें पूरा अधिकार भी है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सस्ती लेबर को जाने नहीं देना चाहता। गलत तरीके से उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करके हम उन्हें बंधुआ मजदूरी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए जैसे ही जावेद साहब ने ज्ञान देने की कोशिश की, वैसे ही यूजर्स ने तुरंत उनके अधूरे ज्ञान को अपडेट किया। दरअसल रेलवे की तरफ से ऐलान किया गया है कि 30 जून या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक की गई सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया गया है। 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड भी किया जा चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लॉकडाउन से पहले बुक किए गए 94 लाख टिकट को कैंसिल किया गया है, तो वही 1490 करोड़ रुपए को ग्राहकों को वापस रिफंड कर दिया गया है। बता दें कि जिन टिकटों को कैंसिल किया गया है वो लॉकडाउन के दौरान उस समय बुक कराए गए थे जब रेलवे ने जून में यात्रा के लिए बुकिंग चालू कर दी थी, लेकिन इस ऐलान में जनरल रेल सेवाएं ही बंद की गई हैं। स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी। रेलवे ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक विशेष ट्रेन सेवा और 12 मई से शुरू की गई विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। लेकिन श्रमिकों पर चिंता जताने वाले जावेद अख्तर ने प्रवासी मजदूरों से जुड़ा रेलवे का पूरा फैसला तो पढ़ा नहीं, लेकिन ट्वीट तो जरूर कर दिया, जिसके बाद यूजर्स ने तुरंत उन्हें अपडेट करते हुए लिखा कि एक सर्कुलर तो समझ नहीं आता और इतिहास के ज्ञाता बनते हैं, मुगलों की अर्थव्यवस्था समझाते हैं, आप नास्तिक नहीं निरक्षर है। तो वही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी इस पर रिएक्शन दिया और लिखा कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ, रंज शायरों को बहुत है मगर आराम के साथ। तो किसी ने लिखा, कौन सी दुनिया में रहते हो, ट्रेन तो चल रही है। तो किसी ने लिखा, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं, अज्ञान का भंडार हैं आप जैसे लोगों की वजह से देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। तो किसी ने लिखा, प्रिय जावेद अख्तर साहब, ज्ञान अधूरा होता है तो घातक होता है। आपको बता दूं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन चालू है, वो बंद नहीं है, गुमराह ना करें। इस तरह से यूजर्स ने रिएक्शन के जरिए जावेद अख्तर को जबरदस्त लताड़ लगाई। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि आप 8 बजे के बाद ट्वीट नहीं किया करें, क्योंकि आप होश में नहीं रहते। इस तरह से जावेद अख्तर का अधूरा ज्ञान उन्हें ही भारी पड़ गया। उनके इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।